सिरसा में कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो अलग मतलब किसानों के नाम पे गुट बना रखे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैंने पहले भी कहा कि शुरू दिन से जो ये पार्टी है, जेजेपी है, जो बीजेपी है, इनका काम रहा है कि किसी भी तरीके से आंदोलन को बदनाम करें। इसलिए इन पार्टियों के जो लोग हैं, इनके वर्कर हैं, जो लोग इनके जो पदाधिकारी हैं, वो लोग किसानों की आड़ के अंदर अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है वो निकाल रहे हैं और इस आंदोलन को जो है वो किसी न कहीं ना कहीं इनके अपने आकाओं को खुश करने के लिए आंदोलन को जो है वो बिखेरने का या आंदोलन को तोड़ने का या आंदोलन को बदनाम करने का ऐसी साजिश से वो लगातार रस्ते आए हैं और आगे भी आंदोलन चलेगा, ये रस्ते रहेंगे। लेकिन इनके प्रयास जो है वो देश के जनता, प्रदेश की जनता है वो उनको भली भांति समझ चुकी है और इनके नेताओं को किसी भी तरीके से लोग जो तवज्जो नहीं देंगे और ये आंदोलन जो है वो मजबूत होगा। आज सर बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध होता है, लेकिन किसान आज तक ये समझ नहीं पाए कि किस तरह के कार्यक्रमों का विरोध होना चाहिए। हर बार विरोध कार्यक्रमों का जो विरोध है वो संयुक्त मोर्चे का साफ तौर के ऊपर ऐलान है, साफ तौर के ऊपर ये फैसला लिया गया है कि जो मंत्री है, MLA है, MP है और जो सरकार के द्वारा कोई निर्धारित कार्यक्रम होगा उन्हीं कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। ऐसे किसी तरीके से संयुक्त मोर्चे की काल के ऊपर ही विरोध होगा, उसके अलावा किसी भी तरीके से कोई विरोध नहीं होगा। जहाँ जहाँ सरकार के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे वहाँ उनका विरोध किया जाएगा और विरोध भी एक सीमा के अंदर एक जो है तरीके से किया जाएगा कि उनको काले झंडे दिखाना है, लोगों को अवेयर करना है कि लोग इनके कार्यक्रमों में जाना बंद कर दे, ना कि उनके साथ कोई मारपीट करना या कोई ऐसा अभद्र व्यवहार या उस तरीके का कोई कुछ नहीं करना जिससे आंदोलन को नुकसान हो। एक जो तौर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा।